हेलो एवरीवन, तुहाडे सारयां दा स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इस जीके गुरु ते। दोस्तों, अज मैं तुहाडे लई एक नवी खबर लेके आया जो कि हाल ही विच रिलीज हुई है। पंजाब वक्फ बोर्ड वल्लों पंजाबी भाषा खिलाफ लए फैसले विरुद्ध मुस्लिम फ्रंट पंजाब ने खोलिया मोर्चा। वेखांगे जी पूरी खबर नूं। इस तो पहला जेकर तुसी साडे चैनल ते पहली बार आए हो तो चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ते नाल लगे बैल आइकन नूं जरूर दबाओ, जिस नाल साडी नई नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुंच जावे ते तुहानूं नवी नवी जानकारी मिलदी रहे। शुरू करते हैं जी अज्ज दी वीडियो नूं। पंजाब वक्फ बोर्ड वल्लों नवे मुलाजमान की भर्ती संबंधी पास किए गए पंजाबी भाषा विरोधी मते के खिलाफ मुस्लिम फ्रंट पंजाब वल्लों मोर्चा खोल दिता गया है। मुस्लिम फ्रंट पंजाब के प्रधान एच आर मोफर वल्लों बरनाला विखे एक समागम दौरान मुस्लिम भाईचारे नूं इस मामले ते जाणू करवाया गया कि किसी तरह पंजाब वक्फ बोर्ड वालों कड़िया असामिया ते यूपी अते बिहार लोगों भर्ती करन दा राह खोलिया जा रहा है। इस मौके एच आर मोफर ने कहा, भावें ओ करोना महामारी कारण सरकारी हिदायतों मुताबिक वड्डा इकट्ठ नहीं कर सकते, पर फिर इस अति संवेदनशील मुद्दे बारे ओ सेहत विभाग ते सरकार दीआं हिदायतों का पालन करते हुए छोटे छोटे इकट्ठ रख के मुस्लिम भाईचारे नूं जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने दसिया कि 10 जून 2020 नूं पंजाब वक्फ बोर्ड वल्लों नवे मुलाजमान की भर्ती संबंधी पास किए गए फैसले विच पंजाब सरकार दीआं हदायतां मुताबिक दसवीं पद्धर ते इम्तिहान विच पंजाबी भाषा का पेपर पास होना गैर कानूनी करार दे दिता गया है। इस सदर पव विच एक मता पास करके पंजाब सरकार पास प्रवानगी लई भेज दिता गया है। इस मते नाल पंजाब दे मूल निवासी मुस्लिम बेरोजगार उम्मीदवार नूं उन्हां दे हक तो वांझा करके पंजाब तो बाहर भाव यूपी ते बिहार दे उम्मीदवारां नूं वक्फ बोर्ड पंजाब विच भर्ती करन दा राह पदरा किया गया है, जो पंजाब दे मूल निवासी मुसलमानां नाल सरासर धक्केशाही है। ये सब कुछ तो हो रहा है कि पंजाब वक्फ बोर्ड दे चेयरमैन समेत चार मैंबर पंजाब तो बाहरले राज नाल संबंधित हैं अते उन्हां दे हित आपो अपने मूल प्रांत नाल जुड़े हुए हैं। उन्हां पंजाब दे समूह मुसलमानां नूं इस मामले ते जागरूक हो के संघर्ष करन दा सद्दा दिता अते पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तो मंग की कि पंजाब वक्फ बोर्ड वल्लों पंजाबी भाषा का पेपर पास करन दी शर्त हटाउन वाला ए मता तुरंत रद्द किया जाए। इस मौके मुस्लिम फ्रंट पंजाब के जनरल सकत्तर सरफरोज अली भुट्टो ने कहा कि जेकर पंजाब सरकार ने साडी मंग ना मनी तो मुस्लिम फ्रंट इस मामले से पंजाबी सेहत अकादमी, पंजाबी साहित्य सभावां, पंजाबी साहित्यकार, लेखकां, कलाकारां अते पंजाबी प्रेमियों के सहयोग नाल इस मामले से वड्डा अंदोलन शुरू करनगे। इस मौके बरनाला नाल संबंधित मुस्लिम भाईचारे के नामवर आगू हाजिर सन। दोस्तों, इस खबर तो सानू यह पता लगता है कि पंजाब सरकार हाल ही विच यह मता पास करन जा रही है कि पंजाब विच नौकरी लैण लई हुण दसवीं क्लास विच पंजाबी लाजमी होना जरूरी नहीं है। इस करके पंजाब विच इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जेकर यह मता पास हो गया तो पंजाब विच बेरोजगारी होर बढ़ जाएगी, क्योंकि अदर स्टेट के जिन्हें भी कैंडीडेट ने जिन्हों को पंजाबी नहीं हैगी वह भी पंजाब विच सरकारी असामिया लई अपलाई कर सकणगे। तो दोस्तों, जेकर तुसीं चाहुंदे हो कि पंजाब विच पंजाब वासी ही नौकरी करन तां तुहानूं इस मते नूं पास होण तों रोकना होगा, क्योंकि जेकर यह मता पास हो गया तो पंजाब विच बेरोजगारी बहुत ज़्यादा वध जाएगी। दोस्तों, इस खबर नूं इन्ना शेयर करो कि यह पूरे पंजाब वासियां तक पहुँच जाए तो पूरे पंजाब वासी इस खबर तो जाणू हो जाण ते इस मते नूं पास होण तों रोकिया जा सके, क्योंकि दोस्तों जेकर इस नूं रोकिया ना गया तो पंजाब विच बेरोजगारी बहुत ज़्यादा वध जाएगी, क्योंकि अदर स्टेट के सारे कैंडीडेट जदों भी पंजाब विच असामियां आणगियां उदों अपलाई कर सकणगे। जेकर दोस्तों वीडियो तुहानूं चंगी लगी होवे तो वीडियो नूं लाइक करो ते वध तों वध शेयर करो। जेकर तुसीं साडे चैनल ते पहली बार आए हो तो चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ते नाल लगे बैल आइकन नूं जरूर दबाओ, जिस नाल साडी नई नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच जाए।
मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो से, तब तक लई टेक केयर।